गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डाउनलाइन को प्लान कैसे दिखा सकते हैं। सबसे पहले हमारा चैनल और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपसे साथ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूंगा। एक ऐसा बिजनेस जहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना अपने को, ना कोई लॉस है, ना कोई किसी का टारगेट है, ना कोई सेल्स करना है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप फ्री टाइम में कर सकते हो और हज़ारों लाखों में कमा सकते हो। दोस्तों, दो तरह से आप अर्निंग कर सकते हो, या तो जॉब कर लो, या दूसरा है अपना बिजनेस। बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर फ्रेंचाइजी ओनर बन सकते हो। फ्रेंचाइजी ओनर मतलब जो भी बड़ी कंपनी है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स हुई, KFC हुई, तो इनकी फ्रेंचाइजी लेके आप अपना एक धंधा बिजनेस चालू कर सकते हो। बिजनेस में ओनर 3% काम करता है और टीम 57% काम करती है। जॉब की अगर हम बात करें तो दुनिया में 95% लोग जॉब करते हैं और सिर्फ 5% ही धंधा या अपना कोई बिजनेस चलाते हैं। आपने आज तक सुना है कि कोई जॉब करते करते करोड़पति बन गया? नहीं, करोड़पति वही बनता है जो बिजनेस करता है। पर एक ऐसी भी कंपनी है जहां हम काम कर सकते हैं। हर महीने हम डेली यूज़ के सामान लाते हैं, जैसे सोप, टूथपेस्ट, टी, कॉफ़ी, हेयर ऑयल और बहुत सारे। तो ये सामान हम रिटेलर शॉप से, मॉल से या सुपरमार्केट से लाते हैं। तो जब ये सामान हम लाते हैं तो आपको कभी किसी ने बोला है कि 1000 की शॉपिंग पे आप ये 1000 रुपये ले जाइए, या फिर आपको कोई अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग के बेस के लिए बैठे हैं। कैसा रहेगा अगर ये डेली यूज़ के सामान आप एक कंपनी से लें जो कि लगभग 3000 रुपये का होगा, और पलट कर आपको 30000 रुपये या 3 लाख रुपये आने लगे? अच्छा लगेगा ना? आपको ख़रीदना है, बेचना नहीं है। बेचना एक अलग विषय है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेली यूज़ का सामान आप लेकर कितना पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर पैसा जनरेट किया जा सकता है तो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर लूँ। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कस्टमर होते हैं। हम रिटेलर के पास जाते हैं, एक दुकानदार के पास जाते हैं कोई भी सामान लेने। तो जो दुकानदार रहता है वो एक होलसेलर से सामान लाता है। जो होलसेलर रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर CFN एजेंट से सामान लाता है, और CFN एजेंट किससे सामान लेते हैं? कंपनी से। तो मान लीजिए कि कंपनी ने कोई चीज़ 40 रुपये में बनाई, वो चीज़ अपने पास आते आते 100 रुपये की हो गई। बीच में जो 60 रुपये होता है, ये इसी चेन का कमीशन रहता है, क्योंकि हम मेहनत करके, मजदूरी करके हार्ड अर्न मनी कमा रहे हैं, और इन बिचौलियों के पास हमारा 60% का सामान 60% चला जाता है। मान लीजिए आपने एक टूथपेस्ट खरीदा जिसकी कीमत 100 रुपये है, पर असल में उसकी कीमत 40 रुपये है। 60 रुपये तो सिर्फ इन बिचौलियों के पास चला गया है और ये करोड़पति बन गए, और आज हम वहीं हैं जहाँ थे। इनके बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं, ये इन्जॉय कर रहे हैं, और हम आज भी वहीं मेहनत कर रहे हैं। तो उसको देखकर एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में आया है, इसीलिए अब हम बात करेंगे DSM पर, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग पे। यहाँ पर कंपनी में जो प्रोडक्ट बनता है वो 40 रुपये का ही रहेगा, और हमारे पास 100 रुपये में ही मिलता है, पर जो बीच में 60 जो पैसा रहता है, 60 रुपये% रहता है, वो हमको मिलेगा। यही तो बिजनेस प्लान है, और इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। पर दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिविटी इमेज बन गई है। लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी आती है और पैसा लूट कर चली जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको लोगों ने ख़राब किया है। एक दो कंपनी आती है और लोगों से पैसा लूट कर चली जाती है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो वो तो पैसा लेकर लूट के ही जाएगी ना। पर कोई कंपनी ऐसी होती है जिसमें अपने आप खुद का प्रोडक्ट होता है, तो वो प्रोडक्ट के बेस पे वो अपना काम चलाती है। इसके अलावा बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हर साल 30-40% लोगों को करोड़पति बनाती है। मान लीजिए अगर 100 लोग करोड़पति बन रहे हैं, तो उसमें से 30-40 लोग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से बनते हैं करोड़पति। ये एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है जहां हम बिना पैसा लगाए बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो अभी भारत में लगभग 3 लाख कंपनियां हैं, और इनमें से 300 अच्छी हैं, क्योंकि इन्होंने IDSA को फॉलो किया है। IDSA मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और बहुत सारी कंपनियां तो आई ही नहीं, क्योंकि उनको भी पता था कि किसी न किसी दिन उनकी कंपनी बंद होने वाली है। IDSA काम करती है
WFDA से पर, मतलब वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन पर। ये दुनिया की बहुत ही रेपुटेड इंडस्ट्री है। इन 300 कंपनियों में से सबसे बेस्ट 19 कंपनी है जिन्हें IDA से रजिस्ट्रेशन मिला है, बाकी को नहीं मिला बहुत से कारण से। और इन 19 कंपनियों में से मैं गर्व के साथ वेस्टिज के बारे में बताने वाला हूँ। वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रैंक 2 है टर्नओवर के हिसाब से और रैंक 1 है पे आउट के हिसाब से, कमीशन देने के हिसाब से। अगर मैं हमारी कंपनी के हाईएस्ट पे आउट की बात करूं तो वो गया है 1,68,00,000 रुपए पर मंथ। जब वेस्टिज ने मार्केट में एंटर किया था तब वो 70वीं मतलब 17 पोजीशन पर आती थी और आज हम रैंक 1 पोजीशन पर हैं और दुनिया की 100 कंपनियों में से इसका नंबर 30वें नंबर पर आया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वेस्टिज ही क्यों करना, दूसरी कंपनी क्यों नहीं? इसका मोटो है बी योर ओन बॉस, मतलब अपनी मर्जी का मालिक। यहाँ पर आपको मैनेजर या कोई कंपनी आपको बोलने नहीं आएगी, आपको खुद अपने हिसाब से काम करना है। और दूसरा कारण है वेस्टिज एक इंडियन कंपनी है, हम दूसरे देश की कंपनी को क्यों प्रमोट करें, अपनी इंडियन कंपनी का सपोर्ट करें। तो ये दो कारण हैं जिसे लेकर हमें वेस्टिज करना चाहिए। तो अब मैं आपको वेस्टिज कंपनी के बारे में बताता हूँ। वेस्टिज स्टार्ट हुई थी 2004 ओखला में न्यू दिल्ली। इसका फर्स्ट साल का जो टर्नओवर था वो 127 करोड़ था और लास्ट ईयर जो टर्नओवर है वो 1800 प्लस करोड़ है। अभी इसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो भी हिमाचल प्रदेश में। 2004 में इसके पास 2 प्रोडक्ट थे, 2 ऑफिस थे और 6 पीपल थे जो कि मैनेजमेंट के हैं। और आज 350 से ज़्यादा इसके प्रोडक्ट हैं, FMCG प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक और ग्रोसरीज। 60 प्लस ब्रांच ऑफिस हैं, 45 प्लस DLCP हैं, 1,60,00,000 प्लस इसके साथ पीपल जुड़ चुके हैं। ये इंडिया, UAE, बहरान, बांग्लादेश और इन देशों में अपना पेट पसार चुकी है और अगले साल तक 20 और देशों में शुरू होने वाला है। लोगों ने वेस्टिज से क्या प्राप्त किया? अचीवर, 500 से ज़्यादा ड्रीम कार अचीवर हैं। ड्रीम कार मतलब जिसने मर्सिडीज, जैगवार, ऑडी, रेंज रोवर ये खरीद ली है इस वेस्टिज के प्लेटफॉर्म से। 7,000 से ज़्यादा लोग हैं जो कि मिड कार अचीवर हैं। मिड कार मतलब होंडा सिटी हुई, i10 हुई, नेक्सा, बलिनो हुई। इसके अलावा 40,000 से ज़्यादा लोग जो हैं जो कि मंथली 1,00,000 से 60,00,000 तक की अर्निंग कर रहे हैं। 2,00,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि 10,000 से लेकर 1,00,000 तक की अर्निंग मंथली कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो वेस्टिज के प्रोडक्ट की क्यों ली जाए। प्रोडक्ट में हम दो चीज़ देखते हैं, क्वालिटी और प्राइस। तो अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी के लिए हमारे पास हलाल सर्टिफिकेट है, ISO सर्टिफिकेट है, GMP, FSI, FPO। इसके साथ कंपनी हमें 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। आपको 10% से लेकर 20% तक का MRP डिस्काउंट रहता है। इसके साथ PV और BVP मिलता है, पॉइंट वैल्यू एंड बिजनेस वैल्यू। कंसिस्टेंसी ऑफर भी कंपनी देती है। कंसिस्टेंसी ऑफर ये है कि 4 महीने रेगुलरली अगर 3,000 का आप सामान लेते हैं तो 5 महीने आपको लगभग 3,000 तक का सामान फ्री में मिल जाएगा। इसका मतलब कि अगर हर महीने आप एक कैलकुलेशन करें तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलता है। तो ये है वेस्टिज का प्लान। आप कैसे जुड़ सकते हो? आपको अपना एक आधार देना होता है जिससे रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्त को रेफर कर सकते हैं। प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते हो तो आप मनी बैक गारंटी के हिसाब से उसको वापस रिटर्न करवा सकते हो। अब प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे तो आम ज़िंदगी में हम क्या करते हैं? आपको अगर कोलगेट अच्छा लगा, उसका पॉजिटिव इफेक्ट आया, मतलब आप क्या बोलोगे? अगर कोई पूछेगा कि भाई कोलगेट कैसा है, मतलब कौन सा टूथपेस्ट अच्छा है, तो आप क्या बोलोगे? अरे कोलगेट लेना। अगर कोई आपके पास आके पूछता है कि मोबाइल कौन सा अच्छा लेना, अरे ओप्पो का लेना। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि हम फ्री में उसका रेफरेंस दे रहे हैं। इसको फ़ायदा किससे हो रहा है? आपको फ़ायदा हो रहा है क्या? नहीं, फ़ायदा कंपनी को हो रहा है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली फ़ायदा कंपनी को होगा। वैसे ही हमें यहाँ पर भी इस कंपनी में भी रेफ़र करना है। जैसे मैंने बताया कि लोगों की एक नेगेटिव इमेज बन रही है इस नेटवर्क पर, ऐसा नहीं है। आपको जैसे कि प्रोडक्ट आपने यूज़ किया, आपको 4 दोस्तों को रेफ़र करना है। अगर ये 4 दोस्त आपके रेडी हैं और ये सामान खरीदे हैं, प्रोडक्ट खरीदे हैं,
वो आपके टीम मेंबर है, और टीम मेंबर हो गए तो आपको उनको गाइड करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा कि वो अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर ये 4 अपने 16 बनाएंगे, फिर ये 16 अपने 64 बनाएंगे। ऐसे ही आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा जो कि 341 लोग का होगा। अगर एक एवरेज के हिसाब से अगर हम माने तो 341 लोग मिलकर 3,000 की शॉपिंग करते हैं महीने की, तो आपका जो टोटल टर्नओवर होगा एक महीने का वो हो जाएगा 10,23,000 रुपये का। दुकान नहीं लगाई, मकान नहीं लगाया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बस आपने क्या किया, रेफ़र किया, और रेफर के हिसाब से आपका जो टर्नओवर है वो 10 लाख के ऊपर हुआ है। तो 10 लाख का आपको 10% 1 लाख, 10 लाख का 10% हो गया 1,02,986 रुपये, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और आप बन गए डायमंड डायरेक्टर कंपनी के। तो अब मंथली आपको ये इनकम आती रहेगी, बशर्ते आपको ध्यान देना है कि आपका जो बिज़नेस है वो चलता रहे। ऐसा नहीं है कि लोगों ने खरीद लिया और अगले महीने बंद हो गए, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना होगा। आपका पैसा ऐसे जनरेट होता है क्योंकि कंपनी आपको मंथली परफॉर्मेंस बोनस 20% देती है, डायरेक्टर बोनस 14% देती है, स्कीम फंड 1% देती है, LOB 15% देती है, ट्रैवल फंड 3% देती है, कार फंड 5% देती है, हाउस फंड 3% देती है। इन सात तो को मिलाकर आपकी एक इनकम जनरेट होती है। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनको संक्षिप्त में समझाऊंगा।